वाओ लुक एट दिस मिरर, ये बिल्कुल सव्यसाची वाइब्स दे रहा है। यहाँ पर मार्बल टेबल्स शोरूम के प्राइस से आधे रेट में मिल रहे हैं। तो वो आंटी इतनी ज्यादा लाउड थी कि मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी। हाय गाइस, मैं हूँ लशपता एंड वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आप देख सकते हो टाइटल ऑफ द वीडियो से, आई एम गोइंग टू बंजारा मार्केट टुडे। नाउ काफी न्यूज आ रही है बंजारा मार्केट की, कुछ कह रहे हैं बंद हो गई है, कुछ कह रहे हैं दिवाली के बाद होगी, एंड सम आर इवन सेइंग दिवाली से पहले ही हो जाएगी। सो टुडे आई विल गो एंड चेक इट ऑल आउट। आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू गो टुडे बिकॉज आई हैव बीन वांटिंग टू गो टू बंजारा फॉर द पास्ट 2.5 ईयर्स, बट मैं जा ही नहीं पाई एंड देन बीच में कोविड हो गया। तो काफी एक्साइटेड हूँ एंड इन फैक्ट मैंने कुछ वीडियोज में देखा बड़े ब्यूटिफुल मार्बल टॉप्स एंड यू नो टेबल्स आए हुए हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू चेक दोज आउट। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल और आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। आई ऑल्सो हैव अ गिव अवे रनिंग विच आई मेंशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, सो स्टिक अराउंड टिल द एंड। चलो लेट्स गो। तो मैं एक्चुअली कैब से जा रही हूँ एंड इतना ज्यादा ट्रैफिक है आज, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया पहुंचते। तो ये है स्टार्टिंग बंजारा मार्केट की। स्टार्टिंग में ही आपको ये कुशन कवर्स, रग्स के सेलर्स दिख जाएंगे। काफी अच्छी कलेक्शन थी इनके पास, बोहेमियन पीसेस भी थे एंड जो भी आपको पसंद आए ना आप उसी टाइम रेट करके बुक कर लो, बिकॉज बाद में मैंने सोचा था मैं ये खरीदूंगी बट ना ये सब कुछ बिक चुका था। तो आपको बंजारा में ना ऐसे वुड के फिगरीन्स, डेकोर प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा दिखेंगे एंड अभी काफी क्रिसमस के आइटम्स आए हुए थे एंड ये लेटर्स बहुत ही फेमस है बंजारा मार्केट में, बट मुझे तो लेटर्स नहीं मिले अपने नाम के, सिर्फ जे एंड आर बहुत ही भरे हुए थे। देन दीज मार्बल टॉप टेबल्स इज व्हाट आई केम फ्रॉम, ये काफी दिखेंगे आपको मार्केट में। द स्टार्टिंग प्राइस इज ₹1200 फॉर द स्मॉलर वन एंड आपको यहाँ पे क्लस्टर टेबल्स भी मिलेंगे एंड मुझे ये बास्केट्स भी दिखे वहां पे, इसमें ब्लैक कलर भी था। दे कोटेड ₹700 पर बास्केट, कर करा के वो 800 पे आ गए थे फॉर टू, बट फिर भी काफी एक्सपेंसिव थी। एंड मार्केट में आपको ये सेंटेड कैंडल्स भी बहुत मिलेंगी, इसका प्राइस स्टार्टिंग था ₹30। तो ऐसे ही ये कैंडल्स एंड टी लाइट कैंडल स्टैंड बहुत देखेंगे मार्केट में ड्यू टू द दिवाली सीजन। काफी वैरायटी आई हुई है मार्केट में, ऐसे क्रिसमस के टी लाइट स्टैंड भी थे एंड दीज वॉल क्लस्टर डेकोर पीसेस भी बहुत ज्यादा है मार्केट में ड्यू टू द फेस्टिव सीजन। देन आई ऑल्सो सॉ दिस मिरर विद द टाइगर्स एंड इट गेव मी सब्यसाची वाइब्स। तो मिरर्स की भी वैरायटी काफी अच्छी है मार्केट में अलॉन्ग विद दीज लैम्प्स। यू विल ऑल्सो फाइंड दीज ऑटोमॉन्स थ्रू आउट द मार्केट, काफी अच्छी वैरायटी है इनमें। एक और चीज जो मैंने यहाँ पे नोटिस की, आर दीज वुडन शॉप्स। तो इवन स्टार्टिंग में एंड अंदर भी आपको ये फर्नीचर के शॉप्स देखेंगे एंड दे हैव रियली नाइस मिनिमलिस्ट डिजाइंस ऑफ टीवी कैबिनेट्स एंड आपको काफी यूनिक पीसेस देखेंगे एंड ये फुल लेंथ मिरर्स भी काफी है मार्केट में। मैं और गौरी तो गाइस काफी थक गए, इतनी ज्यादा तिखी धूप है, अम्ब्रेला यूज कर रहे हैं फिर भी सनबर्न हो गया। नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड समथिंग टू ड्रिंक। लकीली हमें नारियल पानी वाले भैया दिख गए एंड दिस क्यूट लिटिल गर्ल आल्सो वांटेड इट, तो ऑब्वियसली आई बॉट वन फॉर हर एज वेल। मुझे मार्केट में प्लांटर्स और टेबल्स की कलेक्शन काफी अच्छी लगी, प्राइसिंग बहुत अफोर्डेबल है, अमेजोन से तो बहुत कम रेट्स हैं। देन मैंने और गौरी ने रग्स देखने शुरू किए, बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन थे, पेस्टल कलर्स में, बोहेमियन डिजाइन में। आई विल शो यू व्हाट ऑल वी बॉट टुवर्ड्स द एंड एंड लाइक आई मेंशन दिवाली की वजह से काफी सामान आया है, तो ये कैंडल होल्डर्स भी काफी सस्ते में मिलेंगे। ऐसे आपको ये मेटल के डेकोर पीसेस भी देखेंगे मार्केट में ड्यू टू दिवाली। प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है, बार्गेन करने में ज्यादा ये इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे, दे स्टार्टेड कोटिंग ₹500। तो आपके बार्गेनिंग स्किल्स पर ही डिपेंड करता है एंड आई रियली लव दीज बोहेमियन पीसेस। अगर आपको विंटेज आर्ट में इंटरेस्ट है तो बंजारा मार्केट आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे ऐसे फोटो फ्रेम्स भी मिल रहे थे, बहुत विंटेज वाइब थी, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट एंड फाइनली आई परचेज माई फर्स्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये होता है कि आप थोड़ा सा अमाउंट देके अपना प्रोडक्ट बुक कर लो एंड वापसी पे आप अपना प्रोडक्ट उठा लो, बिकॉज पूरी मार्केट में आप चीजें उठा उठा के घूम नहीं सकते हो एंड बहुत टायरिंग हो जाता है। एक जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखी वो दीज ड्रॉअर नॉब्स। तो हम ये ऑनलाइन भी देखते हैं अमेजोन पे, विच आर रियली एक्सपेंसिव, बट यहाँ पे काफी सस्ते एंड डिजाइन इतने यूनिक है एंड यू विल गेट इट इन मार्बल एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कलर्स। अनदर थिंग दैट आई लाइक्ड वर दीज मार्बल डोर हैंडल्स, इट लुक्ड सो नाइस एंड फैंसी, विच आई हैड गॉटन देम फॉर माई सेल्फ एंड दैट इज गौरी बींग गौरी। बट मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगे एंड अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो बाहर के क्रॉकरी के स्टॉल्स थे वो सब अंदर आ चुके हैं इन साइड द मार्केट। अगर तो आपको क्रॉकरी खरीदनी है तो आई सजेस्ट आप अंदर मार्केट में आके लें, बाहर भी आपको दिखेगा बट अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, फ्रॉम कप्स, मग्स, बोल्स, प्लेट्स, डिस्पेंसर्स, बहुत बहुत शेड्स, डिफरेंट डिजाइन आपको दिखेंगे एंड वी फाउंड द फेमस डोनट वाज एंड द कैक्टस वाज एज वेल।
गाइस बारिश हो गई, बारिश में सब कुछ कवर कर रहे हैं तो आप कुछ यू नो देख नहीं सकते हो। गौरी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वेरी टायरिंग बट नाइस। एंड आई एम जस्ट ग्लैड हमने सारी मार्केट देख ली, रेट्स भी अच्छे मिले हैं। आई विल शो यू द हॉल अभी घर जाके। मिशन भंडारा मार्केट वाज सक्सेसफुल, वी बॉट वे टू मच स्टफ एंड ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। घर जाके दिखाते हैं तो ये सारा हमारा सामान है। अभी ना एक सेकंड गौरी की हालत दिखाते हैं। लुक एट हर, टेबल डाला हुआ गले पे, उतार ले उतार ले। ऑल राइट गाइज, सो मैं आ गई हूँ घर। इनफैक्ट गौरी और मैं दोनों इकट्ठे ही आए थे, बट देन वी बोथ वर सो टायर्ड, सो वी रियलाइज हम अभी तो हॉल फिल्म नहीं कर पाएंगे, सो वी जस्ट एट रिलैक्स एंड देन शी फाइनली वेंट बैक होम। अच्छा, बिफोर मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या क्या खरीदा, आई एक्चुअली वॉन्ट टू टॉक अबाउट द मार्केट। सो जो सबसे बड़ी चीज थी कि बंजारा मार्केट क्लोज डाउन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट शॉपकीपर्स ने मुझे यही कहा कि बंजारा मार्केट डेफिनेटली बंद नहीं हो रहा है, दिवाली तक तो उनको मोस्ट डेफिनेटली एक्सटेंशन मिली है, उसके बाद शायद देखेंगे। बट काफी शॉपकीपर्स ने ये भी कहा कि बंद नहीं होने वाली। तो ये रूमर कि बंजारा मार्केट बंद हो रही है, उसको तोड़ रहे हैं, एट ऑल स्टार्टेड बिकॉज जो फुटपाथ पे क्रॉकरी वाले होते हैं ना सेलर्स, उनको वहां से उठा दिया गया था। बिकॉज क्या होता था वहां पे ना बहुत ट्रैफिक हो जाता था, वो मेन रोड पे था एंड वहां पे मूवमेंट काफी थी व्हीकल्स की, तो लोग वहां अपनी कार्स पार्क करके ट्रैफिक कर देते थे। तो जो जितने भी क्रॉकरी वाले थे एट द स्टार्ट ऑफ द मार्केट, उनको वहां से उठा दिया गया है एंड उन लोगों ने अब अपने स्टॉल्स ना इनसाइड द मार्केट कर लिए। ऐसा नहीं है कि यू नो स्टॉल्स भी कम है, उतने ही स्टॉल्स हैं, उतनी ही वैरायटी है एंड सब कुछ काफी नॉर्मल है मार्केट में। काफी लोगों ने ये भी कहा था कि यू नो प्राइसेस बहुत ही कम हो गए, एंड कई ने कहा था बहुत ही जैक्ड अप हो गए बिकॉज ऑफ दिस रूमर। आई फेल्ट ये भी सच नहीं है। एक्चुअली जो रियलिटी है ना, तो जो काफी लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे बंजारा मार्केट को लेके, वो प्राइसेस बहुत ज्यादा कम बताते हैं टू अट्रैक्ट योर अटेंशन, क्योंकि आप भी आज एज अ व्यूअर, मैं भी एज अ व्यूअर जब कोई वीडियो देखती हूँ, मैं देखती हूँ ओ यार इतनी सारी चीजें 50-100 रुपए की हैं, तो नेचुरली ना उसको क्लिक करके ओपन करना चाहोगे, वीडियो को देखना चाहोगे। काफी शॉपकीपर्स ने मुझे बताया कि काफी जो व्लॉगर्स आते हैं वो प्राइसेस बहुत कम कहते हैं जबकि उन्होंने इतने में सेल नहीं किया होता। तो हम एज कंज्यूमर्स जिन्होंने वीडियो देखी होती है, हम भी ना यही एक्सपेक्टेशन से जाते हैं मार्केट एंड देन हम यही रेट्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई डू नॉट थिंक द प्राइसेस हैव बीन जैक्ड अप। इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग स्किल्स एंड आप कितना बार्गेन करना चाहते हो इस टाइम पर। ओवरऑल आई वुड डेफिनेटली से अगर आपको लगता है बंजारा मार्केट में सारी ही चीजें 50-100 ये इतने बड़े फैंसी टेबल्स आपको 500-600 में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। एंड अगर कोई आपको बता रहा ना इतने के हैं, तो या तो बहुत अच्छे से बार्गेनिंग करनी आती है या मोस्ट प्रोबेबली दे आर लाइंग टू गेट द व्यूज, विच आई थिंक इज सो नॉट कूल। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ हमने बंजारा मार्केट से क्या क्या लिया। तो सबसे पहले तो मैंने और गौरी ने बहुत ज्यादा क्रॉकरी ली। क्रॉकरी इन बंजारा मार्केट इज एक्चुअली वेरी वेरी चीप। मैंने बहुत सारे मग्स लिए, जितने भी मुझे मग्स दिख रहे थे ना मुझे बहुत प्रिटी लग रहे थे। सो फर्स्ट आई गॉट दिस ब्यूटिफुल टील मग एंड इसके अंदर ऑरेंज कलर भी है, काफी प्रिटी है, लव द डिजाइन। आई गॉट दिस फॉर ओनली ₹50। वन थिंग आई डू वॉन्ट टू मैंशन इज की बंजारा मार्केट की क्रॉकरी के बारे में मैंने थोड़े नेगेटिव्स भी सुने। मैंने सुना है कि ये ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं, क्वालिटी इतनी नहीं अच्छी है, तो मे बी यू डू गेट व्हाट यू पे फॉर। मैंने ऑफकोर्स अभी तक नहीं उसके, सो आई कांट कमेंट, बट लुक वाइज बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। देन मैंने एक और मग लिया इन दिस ब्यूटिफुल ब्लश पिंक कलर, इसकी एक्चुअली क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। दिस पीस फील्स हैवियर एंड कितना क्यूट है। दिस ऑल्सो कॉस्ट मी ओनली ₹50। नेक्स्ट वी हैव दिस ब्यूटिफुल मिंट ग्रीन मग, इसकी ग्लॉसी फिनिश है एंड दिस एक्चुअली फील्स लाइटर देन द पिंक वन बट इक्वली प्रिटी। दिस ऑल्सो कॉस्ट मी ₹50। When I said I was obsessed with mugs, I was not kidding. I got another one in grey. Now, एक और चीज जो मुझे mention करनी है, जब भी आप कुछ भी क्रॉकरी का सामान लो ना बंजारा मार्केट से, do check the piece very very carefully, क्योंकि काफी pieces में ना flaws होते हैं, या तो scratch होगा या हल्का सा crack होगा या color you know even out नहीं होगा, थोड़ा सा defect है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पतला है, यहाँ पे हल्का सा white spot भी है, बट ये बहुत हल्का सा डिफेक्ट है एंड आई डिडंट माइंड इट एंड मेरे में एनर्जी नहीं थी और ज्यादा मग्स देखने की। सो अब आते हैं बोल्स पे। आई गॉट दिस मिंट ग्रीन बोल, दिस ऑल्सो कॉस्ट मी ₹50 एंड आई थिंक ये प्राइसिंग काफी काफी अच्छी है। दिस इज ऑल्सो हैवी, फील्स ऑफ गुड क्वालिटी,
बाकी तो देखो यूज करके पता चलेगा। नेक्स्ट आई गॉट अनदर ग्रे बोल, ये भी 50 रुपीज का था, अनदर ब्यूटीफुल ब्लश पिंक बोल, इसका डिजाइन ग्रे वाला जैसा ही है एंड ये सारे 50 रुपीज के थे। सो दीज वर द क्रॉकरी आइटम्स दैट आई बॉट। गौरी ने भी सिमिलर क्रॉकरी आइटम्स लिए, उसने भी बोल्स लिए, मग्स लिए, बट शी ऑल्सो गॉट दीज ब्यूटीफुल डीप डिश प्लेट्स एंड इतने ज्यादा प्रिटी डिजाइन थे। ये जो प्लेट्स हैं गौरी को 100 रुपीज की पड़ी पर प्लेट। तो अब आते हैं डेकोरेटिव पीसेस में एंड बंजारा मार्केट में इतना कुछ है, इतनी वैरायटी है, सेरेमिक्स में वैरायटी है, मेटल में वैरायटी है, देयर इज जस्ट सो मच टू बाय। इवन वुडन डेकोर पीसेस भी काफी थे, समझ नहीं आता क्या लो एंड क्या छोड़ो। तो आई एक्चुअली स्टक विद सेरेमिक पीसेस, दे सूट माय एस्थेटिक्स अ बिट मोर, सो आई फाइनली गॉट द डोनट वाज। This has been insanely popular on Pinterest. मतलब एक साल से you know हर एक influencer के घर में ये होता है। मन करा था मेरे पास भी हो, even अब इतना ज्यादा देख चुके हैं ना कि मन हट जाता, but मेरा फिर भी मन था इसमें कि मुझे भी चाहिए। And finally I saw it at Banjara Market. This I got for only ₹200. Then I got this cactus vase and this also has been supremely popular. I think IKEA में एक ऐसा ही इसका version available है which is about 500 to 600 rupees. ये मैंने same ditto Amazon पर देखा था एंड इट सेलिंग फॉर लाइक 500 रुपीज एंड गेस हाउ मच आई गॉट इट फॉर ओनली ₹100। सो दिस कैन बी यूज इन मल्टीपल वेज, या तो आप इसके अंदर कुछ फ्लावर डेकोरेशन डाल दो या पम्पस ग्रास डाल दो, और यू कैन ऑल्सो यूज इट टू ऑर्गेनाइज योर ज्वेलरी। क्रॉकरी वाले स्टॉल्स में ना मुझे काफी क्यूट से सेरेमिक फिगरीन्स भी दिखे, एक आउल था, डॉल्फिन थी एंड आई डोंट नो इज दिस बनी और अ स्क्विरल विद विंग्स, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है, बट काफी ज्यादा क्यूट है एंड आई ऑल्सो गॉट दिस फॉर ₹50। Now let's move on to cushions. So the first one that I got is this one. It says sunshine season and this was available as a pair. So he quoted 700 rupees for a pair and we got this for ₹400. So basically ek cushion 200 rupees ka pada hai. Problem ye ho gayi thi jab tak hum unke store pe pahunche hain hum na बहुत ज्यादा थक गए थे एंड हमने ना क्वालिटी देखी नहीं इस क्वेश्चन की, हमने खोल के नहीं देखा, हमने प्लास्टिक से मतलब पन्नी से ना बाहर ही नहीं निकाला देखने के लिए। तो इवन दो दिस लुक्स रियली नाइस, इसमें हल्का सा डिफेक्ट है, यहाँ से यू नो ये थ्रेड्स निकल रहे हैं एंड जो दूसरा वाला पैर है उसके में भी ना कपड़े में हल्का सा होल था, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इन्होंने कवर के अंदर ही ना पॉलीफिल भर दी है एज यू कैन सी। तो इसमें अंदर कुछ कुशन नहीं है एंड आई कैन नॉट वॉश इट, आई डोंट रियली नो हाउ आई फील अबाउट इट। अंदर का कुशन होता ना प्रॉपर फिलर होता तो बहुत अच्छी डील थी, बट नहीं है। एंड सिंस अभी कुछ 200 का है तो मैं क्या उसको ड्राई क्लीन कराऊं, बट मैं ऐसे यूज भी नहीं कर सकती, तो शायद सिर्फ पिक्चर्स में यूज करूंगी, आई रियली डोंट नो। नेक्स्ट आई गॉट दिस गॉर्जियस बोहेमियन कुशन, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। इनफैक्ट मैंने और गौरी ने ना काफी कुछ खरीद लिया था एंड दिस वॉज द लास्ट थिंग दैट वी सॉ एंड इवन दो वी वर लाइक अब काफी कुछ ले लिया बट वी जस्ट कुड नॉट रिजिस्ट एंड इस पे तो भैया ने इतनी अच्छी बार्गेनिंग की, कॉस्ट अस ₹300, सो 150 ईच पड़ा हमें बेसिकली। इसमें बहुत अच्छा यू नो बोहेमियन सा डिजाइन है, बट यही प्रॉब्लम है इसमें तो जिप भी नहीं है, दिस इज एक्चुअली स्टिच्ड ऑन, कच्ची सिलाई की हुई है। सो इसके अंदर ये पता नहीं कौन सी फिलिंग की हुई है एंड ऑफ कोर्स आई कांट यूज इट अनलेस आई वॉश इट, तो कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द रग्स, हमने बहुत सारे रग्स लिए एंड हमने बहुत अच्छी क्वालिटी की रग्स लिए। इनफैक्ट जिस शॉप से हमने लिया ना उनके पास एक बहुत फेमस एक्सपोर्टर के सैम्पल पीसेस थे जो हमने बाद में रियलाइज किए एंड फिर हमने ना उनकी आके वेबसाइट चेक की, एक्सप्लोर की उस एक्सपोर्टर की, तो उनके जो डिजाइन थे ना वेबसाइट पे या उनके लिंक्डइन पे वही सेम डिजाइन भैया के पास भी थे एंड हम सोच रहे थे, मैं और गौरी सोच रहे थे और ले लेते, यू नो कि सस्ते मिल रहे थे, अच्छी क्वालिटी के थे। सो पहली चीज जो हमने ली दिस रग, तो आई रियली लाइक इसका कलर थीम, एक तो डिजाइन काफी बोहेमियन है, it is of decent quality, this will go so well especially in the studio room and we got this for ₹400. the quoted price was ₹800 to we exact 50% off pe de diya, but bargaining mein acche se 300 se start ki thi, fir 350 pe aayi thi, then finally 400 pe and of course he agreed to give this to us because we were buying more products. तो मैं ये बार बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये एक उठाया होता ना मुझे नहीं लगता वो मुझे 400 में भी देते, सिंस ज्यादा प्रोडक्ट्स थे ही जस्ट फेल्ट कि चलो दे देते। नेक्स्ट आई गॉट दिस ब्यूटीफुल जूट का रग, बट इसमें ना मुझे बहुत दुख हुआ, डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा एंड सस्ता भी मिला, बट
ये थोड़ा डिफेक्टिव पीस है बेसिकली ना, इसका जो इनर वाला जूट रिंग है वो लूज है एंड जो आउटर है वो टाइट है, तो ये अच्छे से बैठता नहीं है फ्लोर पे, क्रीजेस रहते हैं, लूज रहता है, बहुत ही वियर्ड है, वहां पे मैं चेक नहीं कर पाई थी इस चीज को अच्छे से। तो उन्होंने कोट तो इस चीज का भी 800 किया था एंड मैंने 400 में बना लिया था, बस दो तीन और पीसेस थे तो पता नहीं या तो सारों में डिफेक्ट था या मुझे डिफेक्टिव मिला है, बट जो भी हो ये तो मतलब मेरा ऑलमोस्ट वेस्ट ही गया। नाउ देयर वाज दिस वन रग, वो उसी फेमस एक्सपोर्टर का था, उसमें हार्डली कोई डिफेक्ट था। सो जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज अ वेरी नाइस ब्यूटिफुल बोहेमियन पीस, डिजाइन तो इसका इतना ही अच्छा है एंड वी एक्चुअली फेल इन लव विद इट इंस्टेंटली। इसका प्राइस भी भैया ने फिर बहुत ज्यादा अच्छा कोट किया था, ही कोटेड 2000 रुपीज, बट मैं आपको सच्ची बता रही हूँ इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी ना कि गौरी कही थी मैं 2000 में भी ले लूंगी, बिकॉज़ शी लव्ड इट सो मच। सो इट वॉज वेरी बिग, मुझे एग्जैक्ट साइज उसका नहीं पता बट काफी बड़ा रग था, काफी हैवी था, काफी सॉफ्ट था, बहुत ही पसंद आया हम दोनों को। सो ही कोटेड रुपीज 2000 एंड ही फाइनली अग्रीड ऑन 1000 बक्स। अब हो सकता है काफी लोगों को ये हाई लगे कि अरे आप एक स्ट्रीट शॉप से यू नो 1000 रुपए का रग ले आए हो, बट ये जो रग्स है ना शॉप्स में सेम डिजाइन के 5-5, 6-6 हजार के बिकते हैं एंड दैट इज एक्चुअली एन एक्सपोर्टर सैंपल पीस, तो क्वालिटी वाज अमेजिंग एंड 1000 रुपीज इज एक्चुअली अ स्टील ऑन दैट। देन शी ऑल्सो गॉट दिस ग्रे वाला रग, अब इसमें आप देख सकते हो ये ना क्रॉस में व्हाइट व्हाइट फेडेड कलर है विच आई थिंक फेड हो गया बिकॉज वो ऐसे प्रेस्ड रहते हैं, बट हमें फिर भी अच्छा लग रहा था, डिजाइन ओवरऑल वाज लुकिंग नाइस, तो इसमें हमें काफी बार्गेनिंग करनी पड़ी। दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू रग्स दैट वी बॉट, सेलर वाजंट रियली ओके और ओपन टू बार्गेनिंग मच, उन्होंने हमें आई थिंक 900 या 1000 रुपए कोट किए थे एंड वी ब्रॉट हिम डाउन टू 700 ओनली, इससे नीचे वो आ नहीं रहे थे। तो इस बार लाइक आई मेंशन बहुत कंटेम्प्रेरी फर्नीचर पीसेस भी आए थे, इनफैक्ट दिस वाज द बिगेस्ट रीजन व्हाई आई वांटेड टू गो, आई वांटेड दिस ब्यूटिफुल मार्बल टॉप टेबल। इसका प्राइस जो उन्होंने मुझे कोट किया था वॉज ₹2500, बट बोनी का टाइम था एंड आंटी वॉज जस्ट नॉट लेटिंग मी लीव, मेरे को मतलब 2500 तो नहीं लगाना था टेबल पे बिकॉज मैं अमेजोन पे प्राइसेस देख के गई थी एंड अमेजोन पे ना ये वाले साइज का थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन 2300 का मिल रहा था, तो आई लाइक 2500 में तो मैं नहीं लेने वाली जो मेरे घर पे ही आराम से डिलीवर हो जाएगा। तो आई डिड नॉट हैव दैट बजट एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू बार्गेन बिकॉज आंटी वॉज अ बिट टू पैशनेट, मुझे थोड़ा सा हल्का सा ना मैं घबरा जाती हूँ, बट ट्रस्ट मी शी वॉज सो स्वीट, शी जस्ट वॉन्टेड क्योंकि उनकी बोनी नहीं हुई है तो मैं उनको रेट बताऊँ ताकि दे कैन वर्क अराउंड माई रेट्स। सो मैंने उनको फाइनली बोला यू नो 1000 रुपीज का दे दो, बोलते हुए भी ना मुझे डर लग रहा था कि डांटेंगे आंटी अच्छे से आज, बट शी वाज लाइक नहीं बेटा ठीक है अमाउंट बोलेगी तो मैं दे दूंगी तेरे को। तो फाइनली वी सेटल्ड ऑन 1200 रुपीज एंड ना इसकी फिनिशिंग भी जो थी टेबल के फ्रेम की उसमें काफी ज्यादा मार्क्स थे, अच्छी फिनिशिंग नहीं थी बट यू नो दे एक्चुअली रीडिड इट फॉर मी, उन्होंने स्प्रे कर दिया एंड पूरा टिप टॉप करके दिए। सो इसका जो मार्बल टॉप भी है ना ये अच्छे से पॉलिश नहीं है, इट्स क्वाइट मैट एंड अ बिट डल, बट मैंने सोचा मैं यहां से करवा लूंगी, इट्स नॉट रियली अ बिग डील, आई बेसिकली जस्ट वॉन्टेड दिस सिमिलर डिजाइन। सो ये सब मैंने लिया बंजारा मार्केट से एंड कुल मिला के आई थिंक गौरी और मैंने टोटल 5000 से ज्यादा नहीं खर्चा एंड वी गॉट सो मेनी प्रोडक्ट्स, आई थिंक जितना मैंने प्राइस पे किया उसके हिसाब से तो क्वालिटी काफी अच्छी है, स्पेशली जैसे ये जो होम डेकोर पीसेस है तो बहुत ही ज्यादा सस्ते मिलते हैं बिकॉज ये ना अमेजोन में काफी एक्सपेंसिव होते हैं बट एट बंजारा दे आर सुपर सुपर चीप, तो आई हाईली रिकमेंड यू चेक देम आउट। नाउ कमिंग टू द गिव अवे, देर विल बी वन विनर एंड दैट वन विनर विल विन ऑल दीज प्रोडक्ट्स, ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, कौन सा आपका फेवरेट पीस है एंड कौन सी नेक्स्ट मार्केट मुझे एक्सप्लोर करनी चाहिए। मैं ऑलरेडी सरोजनी नगर मार्केट कर चुकी हूँ, अब हमने बंजारा मार्केट भी कर ली है, मे बी यू कैन चूज बिटवीन दिल्ली हाट या फिर लाजपत नगर, बोथ ऑफ दीज मार्केट आर टू ऑफ माई फेवरेट मार्केट इन दिल्ली एंड यहाँ पे काफी कुछ मिलता है एंड आई मेरी बाकी वीडियोज भी देख सकते हो, वेर आई एक्सप्लोर सरोजनी नगर, आई पोस्टेड अ फ्यू ऑफ माई हॉल्स इफ यू लाइक। And yeah, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed watching it and I will see you guys the next time. Bye-bye.